तेजस्वनी परियोजना से जुड़ी 423 महिलाओं को 9 माह से नहीं मिला मानदेय। मानदेय को लेकर डीसी से मिलने पहुंची महिलाएं। दो दिनों के अंदर मानदेय नहीं भुगतान नहीं किया गया तो उग्र होगा प्रदर्शन। 14 से 24 वर्ष के किशोरियों को आर्थिक रूप से सशक्त करती हैं महिलाएं। झारखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास अंतर्गत 14 से 24 वर्ष की किशोरी युवतियों के सशक्तिकरण हेतु चतरा जिले में तेजस्वनी परियोजना में लगी 423 महिलाओं को पिछले 9 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संकुल समन्वयक गायत्री देवी ने बताया कि चतरा जिले में 423 महिलाओं के द्वारा जिले में 14 से 24 वर्ष की किशोरियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया और भी कई तरह के हम लोग द्वारा किए गए हैं, लेकिन हम लोगों को पिछले 9 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम लोग काफी परेशान हैं। आज प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को आवेदन देकर मानदेय भुगतान की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर दो दिनों के अंदर उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कहा कि महिलाओं के द्वारा गांव-गांव में जाकर युवतियों को जागरूक करने की काम करती थी। तो पहले तो हम लोग सारे तेजस्वनी कर्मी थे, नौकरी चला गया, सभी को निलंबित कर दिया गया, सभी को कि कार्यमुक्त हो गया। उसके बाद हम लोग जैसे काम कर रहे थे तो अगस्त माह तक हम लोग का काम था, अगस्त माह तक काम भी किए तो हम लोग का मानदेय विगत सीसी, जैसे सीसी और वाईएफ का मतलब होता है वो एकदम निचला ग्राउंड, एकदम निचला स्तर पर वो काम करती हैं, जिनका मानदेय मात्र 2300 रुपया है और हम सीसीओ का मानदेय 10000 रुपया है। जो हम लोग क्लस्टर लेवल पर काम करते हैं, हम लोग सीसी जो होती है वो 10 से 18 के बीच में आंगनबाड़ी हम लोग देखते हैं और हमारी जो वाईएफ दीदी होती है वो मात्र 4 आंगनबाड़ी देखती है। वैसी महिला को इन्होंने अब वेतन काट दिए। हम लोग कार्यमुक्त करने के साथ साथ जब हम लोग जो वेतन था वो हमारी वाईएफ दीदी के विगत 9 महीना का मानदेय नहीं दिया गया है और हम सभी का 5 महीना का मानदेय काट दिया गया बिना सूचना के, कोई सूचना नहीं। और तीसरे दिन का जो उपस्थिति था उसको जीरो कर दिए। तो जीरो करने का मतलब है ठीक, अगर हम काम नहीं किया आपके पास तो भाई आखिर जिला वाले लोग को पैसा कैसे मिल गया? जिला वाले क्या कर रहे थे भाई? वो कौन सा काम कर रहे थे जो उनको मानदेय मिला और प्रखंड वाले को मिला? बाकी क्लस्टर और जो निचला ग्राउंड पर थे एकदम गाँव लेवल पर, उनको पैसा नहीं मिलेगा और इन लोग को पैसा मिल गया बिना सूचना के, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। इसी लेकर हम लोग DSW मैडम से मिलने आए और DC साहब से भी मिलने आए कि भाई हम लोग को क्या गलती है, कहाँ हम लोग को अनुपस्थित पाया गया जिसको लेकर हम लोग को जीरो कर दिया गया, मतलब 30 दिन का 300 दिन में जीरो। आखिर कैसे लिए भाई? ना कोई सूचना हम लोग को दिए, ना कोई जानकारी, बगैर जानकारी बिना सूचना के इन लोग जीरो कर दिए हम लोग का पैसा। हम लोग का मांग है कि हम सीसी लोग का 5 महीना का मानदेय बाकी है तो हमारा 50000 रुपये मिलना चाहिए और हमारी दीदी जो हैं वाईएफ दीदी इनका 8 का पैसा इनका बाकी है तो इनका लगभग भाई 22 से 23 हज़ार रुपये इन लोग का होता है, वो उनका पैसा पूरा कर दिया जाए। जब हम लोग काम जब हम लोग से छीन लिया गया तो कम से कम जो हम लोग मेहनता जो किए हैं, जो हमारा मजदूरी है वो ना छीने लोग। हम लोग इनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने आए हैं, अगर ये हमारा रिक्वेस्ट ये नहीं सुनते हैं दो दिन के अंदर, अगर हम लोग को पूरा मानदेय नहीं मिलता है तो हम लोग पूर्व प्रदर्शन भी करेंगे। हम वाईएफ हैं हंटरगंज की, हम लोग का 9 महीना का मानदेय रुका हुआ है। उनका कहना है कि हम लोग काम नहीं किए हैं, पर हम लोग जब काम नहीं किए तो ऊपर कैसे काम गया? जिला स्तर पर सबका पैसा आ गया है, सीसी दीदी का भी 3 महीना का पैसा आया पर हम लोग का पैसा 1 महीना का भी नहीं आया है। तो हम लोग का कहना है कि हम लोग का 9 महीना का पैसा जो है सो हम लोग को दिया जाए। निशान सर के घर भी गए हम लोग, वहाँ भी ताला बंद था, वहाँ भी हम लोग बैठे। JWDC मैडम के पास भी गए, वहाँ भी नहीं आए, तो हम लोग DC सर के पास आए हैं। तो हम लोग का बस मानदेय दिया जाए और कुछ नहीं। आप लोग मैडम से पहले भी तो मिले होंगे? हाँ, हम लोग पहले भी मिले थे पर वो हम लोग को भगा दिए कि आप लोग जाइए यहाँ से, आप लोग इतना भीड़ क्यों लगाए हैं। बातचीत नहीं हो पाया? नहीं, हम लोग को बातचीत नहीं हो पाया। तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि बस हम लोग का मानदेय दे दिया जाए। हम लोग का तो काम छीन लिया है पर पैसा कटे नहीं। 2300 रुपया मिलता है हम लोग को और वो भी नहीं दे रहा है।